उज्जैन से ओमकारेश्वर इंदौर जाने के लिए और ओमकारेश्वर से इंदौर से उज्जैन आने के लिए अब ट्रेन सुविधा शुरू हो चुकी है। जहां पहले ये ट्रेन सुविधा बंद थी और काम चल रहा था, करीब 7 वर्ष से लोग ओमकारेश्वर से उज्जैन, इंदौर से उज्जैन बसों के माध्यम से आना जाना कर रहे थे और लोग काफ़ी परेशान थे। मगर अब ट्रेन सुविधा शुरू हो जाने के बाद कई गांव के ग्रामीण बेहद फायदे में रहेंगे। साथ ही इंदौर से उज्जैन और उज्जैन से इंदौर आने जाने वाले लोग ही फायदे में रहेंगे। ट्रेन का शुभारम्भ भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन से आई उसका मंत्रोच्चार से सर्वपंडितों द्वारा यहाँ पर स्वागत अभिनंदन किया गया। ड्राइवर साहब यहाँ के जो स्टाफ के सभी का उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। हमारे गाँव के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ पर अधिकतर रोजगार वगैरह यहाँ चिंतावन से 2014 से जो नोटबंदी की वो चालू है, प्रथम बार आई चिंतावन में सभी खुश हैं और बहुत बहुत उत्साह में सभी लोग होकर। अनिल फिरोजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ट्रेन जो है इंदौर उज्जैन चालू करवाया है। मतलब ये 6 साल में जाकर आज इन्होंने प्रधानमंत्री के हाथों से जो शुभारंभ हुआ है ट्रेन का, इससे बहुत सारे फायदे होंगे आपके महाकाल दर्शन के लिए, जो यात्रियों के लिए मतलब आने जाने के लिए सुगम आना जाना होगा उनका, ओमकारेश्वर जाने के लिए, और जो रोज़ आना जाना करते हैं इंदौर काम करने वाले उनके लिए, तो इसलिए इनका जो है प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री और आपके क्षेत्र में चिंतामन गणेश मंदिर भी पड़ता है, साथ में कई स्थानीय रहवासी मोहल्ले भी पड़ते हैं, किस प्रकार से इन भक्तों को और यहाँ के लोगों को फायदा रहेगा? तो वही तो भैया, एक तो अपने दर्शनार्थी सब जो है आना जाना इनसे ट्रेन से ही करते थे पहले और अब भी करेंगे। उज्जैन से जो इंदौर तक के चिंतामन, लेपोड़ा, फतेहाबाद, टंकारिया और फालिया वालिया को जो सौगात मिली है, इसका तो खुशी का हम कर ही नहीं सकते कि जो आप इस क्षेत्र में जो सौगात मिली है पूरी ट्रेन उज्जैन इंदौर के लिए, इसके लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। आज प्रधानमंत्री के आगमन के बाद और भी विकास काम हुए, किस प्रकार से एक विकास की सौगात मानी गई है? पूरे उज्जैन से इंदौर तक में जो विकास होगा इस ट्रेन के माध्यम से, उसका तो कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग। और अन्य रेलवे स्टेशनों काम भी किया गया, माननीय प्रधानमंत्री ने आज काम किए हैं क्या? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।